गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 6.2. बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स दैट यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ. सो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास, वो हम फिफ्थ चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती है, अगर दो लाइंस सेम डिस्टेंस पे चल रही हो एक दूसरे से तो क्या होती है, वो पैरेलल लाइंस होती है. नाउ ट्रांसवर्सल लाइन इज इफ अ लाइन कट टू और इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स. ठीक है, अगर एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, अब यहाँ पे एल एम और एन तीन लाइन्स है, इनमें से कौन सी एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल होगी, एल. ठीक है, क्योंकि एल यहाँ पे दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है और एम किसको कर रहा है, सिर्फ एक लाइन को, और एन भी सिर्फ एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, अब है कॉन्सेप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वन जो है हमारे पास किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, फिफ्थ के साथ. अब यहाँ पे अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ही क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल. यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं है तो सिर्फ हमें क्या बताना है, यहाँ पे एंगल्स बताना है. वन और फाइव इक्वल नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है एम और एन. ठीक है, नाउ जो एंगल टू है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है सिक्स के साथ, फोर जो है वो एट के साथ, एंड थ्री सेवन के साथ. ठीक है, नाउ सेकेंड इज इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, हमारे पास जो जेड का सिंबल अगर हमारे पास ड्रॉ करते हैं वो उसको क्या, तो उसके साथ साथ जो वैल्यूज जो एंगल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, इंटीरियर अगर बोला है तो हम सिर्फ इंटीरियर लेंगे, और इंटीरियर क्या है यहाँ पे, फोर थ्री और फाइव सिक्स इंटीरियर, और इनमें से अब हमें ऑल्टरनेट बताने हैं. तो यहाँ देखो जेड अगर हम सिंबल बनाएंगे तो फोर और सिक्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और यहाँ पे अगर ऐसे जेड बनाएंगे तो थ्री और फाइव क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सेम लाइक अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछे तो अब हमें सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स को ही कंसिडर करना है. तो अगर हम फिर से अगेन जेड सिंबल बनाते हैं तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे सेवन, तो वन और सेवन ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है. और अगर हम यू जेड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, टू एंड एट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स. ये क्या हो जाएंगे अब हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास ये है. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हमें कंसिडर करने, तो इंटीरियर में हमारे पास सिर्फ क्या है, फोर थ्री फाइव सिक्स. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कि अगर हम फोर ले लें तो इसके साइड में इधर क्या है, फाइव. तो ये दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स है. और इन केस अगर हम थ्री लेते हैं तो इसके हमारे पास क्या है, साथ में उसी साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के सिक्स. ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. और इसको हम अलग से एक और क्या बोल देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, नाउ द एग्जियम 6.3. एग्जियम 6.1 और 6.2 हम ऑलरेडी 6.1 से पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ थर्ड इज इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अब यहाँ पे क्या है, वहां पे सिर्फ सिंपली टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू पैरेलल लाइंस, और अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. तो यहाँ पे क्या है कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा हमारे पास, इक्वल. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर ले, वन टू, ये एल लाइन है, ये एम, ये एन, ये पॉइंट है यहाँ पे पी, यहाँ पे पॉइंट है क्यू. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, इफ अ ट्रांसवर्सल एल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, वन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फाइव, सो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. ठीक है, नाउ सेकेंड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सिक्स, और सेकेंड और सिक्स क्या हो जाएंगे, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स. नाउ थ्री जो एंगल है वो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है सेवन के, तो थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंड फोर कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एट के, तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट. ठीक है,
और इसी का कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है जस्ट इसके अपोजिट। जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और अगर हमारे पास कन्वर्स में क्या बोले कि अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं वो लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं। तो एक्सियम 6.4 इज अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम, ठीक है। सो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, तो यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल जो है सिर्फ दो लाइन्स को कट कर रही है ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि वो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। देन सच दैट अ पेयर ऑफ, वो किस तरह कट करती है कि सच दैट देयर पेयर्स, दैट पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर कोरिस्पॉन्डिंग पेयर्स एंगल का पेयर हमारे पास इक्वल है देन द टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। जस्ट द कन्वर्स ऑफ दिस कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी दो लाइन को कट करती है इन सच अ वे दैट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइन्स मस्ट बी पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो एक्सियम्स हमें सिर्फ रिकॉल करने हैं, यहाँ पे इनको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ थियोरम्स को प्रूफ करते हैं हम। ओके सो देयर इज अ थ्योरम, थ्योरम 6.2, एंड दैट इज अबाउट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसमें हमारे पास क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो हमें बताना है कि क्या दोनों लाइन्स क्या होंगी पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्टली हम सिर्फ दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है। हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं, और इनको हमें क्या करना है प्रूफ। और लाइन एल क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है एम और एन को, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए, इनको भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इसको कंसिडर कर लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास इक्वल, तो हम इनमें से किसी भी एक इंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो इंटीरियर में हम सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को ही कंसिडर करेंगे। अगर हम इनकेस इस एंगल को लेते हैं तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा हमारे पास दिस एंगल, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है एंगल, इस एंगल को हम नाम क्या लिखेंगे आर ए एंड यहाँ पे ये ए, ओके हम ए पहले ही ले चुके थे तो इसको क्या करेंगे सी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी, और इधर कंसिडर कर लेते हैं बी, ठीक है। सो आर ए बी हमारे पास क्या है ऑल्टरनेट, इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास ये एंगल, और इसको हम नेमिंग करेंगे ए बी डी, ठीक है। सो एंगल ए बी डी ये क्या है हमारे पास गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमने एक इंटीरियर एंगल यहाँ पे कंसिडर करा और उसका ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास यहाँ पे दिस एंगल, एंड दीज बोथ आर गिवन दैट दे आर इक्वल, ठीक है। नाउ प्रूव क्या करना है हमें ट्रांसवर्सल की, हमारे पास ए यहाँ पे आर एस और सी डी लाइन क्या है पैरेलल। तो एग्जाम 6.4 कन्वर्स ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम में हमने अभी पढ़ा था कि अगर दो लाइन्स उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो क्या हो जाएंगे लाइंस क्या होंगी पैरेलल। तो हमें यहाँ सिर्फ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स शो करने, ठीक है। इन 6.1 वी ऑलरेडी रेड अबाउट कि वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, थ्योरम 6.1 यही थी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो आर ए बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा दिस वन, और ये इस एंगल को अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या होगा पी ए एस, ठीक है। सो एंगल आर ए बी किसके इक्वल है हमारे पास एंगल पी ए एस के इक्वल, और रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और थ्योरम 6.1 में हमने पढ़ा है कि ये दोनों एंगल्स क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। आर ए बी किसके इक्वल हो गया हमारे पास इसके इक्वल, लेकिन हमारे पास आर ए बी किसके इक्वल है ए बी डी के इक्वल है। सो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि फिफ्थ में हमने यूक्लिड के एग्जाम्स में पढ़ा है कि इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो बाय यूक्लिड्स एग्जाम क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए एस, ठीक है। अब यहां देखो एंगल
ए बी एंड डी किसके इक्वल है, एंगल पी ए एस, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया अब हमारे पास, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है. सो बट दीज बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल. और अगर दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है तो क्या हो जाता है हमारे पास, सो लाइन आर एस इज पैरेलल, पैरेलल का सिंबल होता है हमारे पास, दस इज पैरेलल टू सी डी बाय एक्सियम 6.4. ठीक है, 6.4 क्या था कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एंड सच दैट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल. सो यहाँ पे ये और ये एंगल क्या है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर द लाइंस मस्ट बी पैरेलल. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे.